नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर सिख समुदाय से हलवा खिलाने का अनुरोध किया। इस दिन मुख्यमंत्री कोलकाता में गुरु नानक जयंती के एक समारोह में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा, आप गुरु पर्व अच्छे से करें और मेरे घर हलवा भेजें। इसके अलावा उन्होंने गुरु नानक भवन के बारे में भी बात की। सबसे आगे कौन है? पंजाब है और बंगाल है। इसी के लिए पंजाब का साथ बंगाल का बराबर एक रिश्ता है। इसी के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जब जनगण मन आदि लिखा था, उन्होंने शुरुआत किया था पंजाब से। पंजाब और सिंधु, गुजरात और मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, इसी के लिए किया था कि पंजाब जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, पंजाब का इंसान देश को रक्षा करते हैं, पंजाब का इंसान आर्मी में भी बहुत काम करते हैं, बॉर्डर में भी बहुत काम करते हैं। आपको घर घर का लड़का लड़की ने बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे वादा निभाया है देश के लिए। बंगाल में डेंगू का जंग और हुआ तेज। 24 घंटे के भीतर डेंगू से 4 मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले रविवार को डेंगू से 2 महिलाओं की मौत का मामला सामने आया था। जरम कोलकाता यह समस्या उखानो ताई समस्या। खाली जमीन, सही जमीन दे नोंगरा फैला। एसी तला जे ट्रेड आता के, शे ट्रेड मोते जल रहे चे। आमी प्लास्टिकेर बाल्टी टा भेंगे गए चे फेले दीजिए बाड़ीर पेछने, जे जायगाटा थाके। তার মধ্যে জল জমছে। অনেকদিন ফ্ল্যাট আমার বন্ধ হয়ে রয়েছে, এটাকে ফেলিনি। কমোডের মধ্যে সেই জলে ডেঙ্গির মশা হচ্ছে, যেটাকে পেয়েছি আমরা। তেজ রফতার ট্রাক নে স্কুটি সওয়ার দম্পতি কো কুচলা, পতি কি মৌত পত্নী ঘায়ল। घटना है प्रिंस अनवर शाह रोड की। शादी के 4 महीने के बाद ही हुई मर्मांतिक दुर्घटना। घायल पत्नी अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी और मौत के बीच जंग। अठारह नवंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। यह सत्र 30 नवंबर तक चलने की संभावना है। सत्र शुरू होने से पहले 16 नवंबर को ऑल पार्टी की बैठक होगी। गुजरात के मोरबी में हुए केबल ब्रिज हादसे के बाद सख्ते में आई राज्य सरकार के। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से समस्त ब्रिजों का हेल्थ चेकअप करने का निर्देश दिया जा चुका है। इसी के तहत चुंचुड़ा, मोगरा ब्लॉक और बालागढ़ ब्लॉक के ग्रामीण रास्तों को जोड़ने वाली लोहे के तार से झूलते हुए लकड़ी के पुल को जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। মানে ঠিক করে ভালোভাবে তো আমাদের পাড়া লোকেরা যেতে আমাদের সুবিধা হবে। এখন তো ব্রিকেট ব্রিকেট যে বন্ধ করে দিয়েছে, এবার আমাদের পাড়া থেকে কারোর যদি শরীর খারাপ হয়, আমরা যদি হসপিটালে হসপিটালে নিয়ে যাই তো আমরা কি করে নিয়ে যাই? একটা টোটো যাওয়ার জায়গা আছে, একটা টোটো নিয়ে টোটো করে নিয়ে যাবো। আমাদের এখান থেকে ব্রিকেট গেলে সেই ফুলপুর দিয়েছে, ফুল হয়ে তারপরে একটা আমাদের বাড়ির কাছে এখানে রেগন ফ্যাক্টরি আছে, আইটিসি কোম্পানি আছে। আমরা এখান থেকে কারো শরীর খারাপ হলে ভয় দেবো না, নাহলে আইটিসিতে নিয়ে যাবো, আর নাহলে মগড়া নিয়ে যাবো, আর জিরাট নিয়ে যেতে গেলে অনেকখানি। सोमवार को नीमतला घाट में 21,000 दीपकों के साथ मनाई गई देव दीपावली उत्सव व गंगा आरती। इन्हीं पलों को कैमरे में कैद कर लिया हमारे कैमरा पर्सन दीपेन उपाध्याय ने। आइए देखते हैं वीडियो। ओम जय अब रुक करते हैं देश और विदेश की खबरों की ओर। वाराणसी, उज्जैन और पुष्कर में देव दीपावली की धूम। काशी 10 लाख दियों से हुई रोशन, वहीं पुष्कर के 52 घाट एक साथ रोशनी से जगमगाए। मनोरंजन की जगत पर एक नजर। फ्रेडी का टीजर हुआ रिलीज। दिन में डेंटिस्ट रात में किलर बने कार्तिक आर्यन, अलग अंदाज में आए नजर। महानगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। ज्यादातर समय धूप रहेगी।
सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।